मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव 6 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसको नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। दीपावली के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या उत्तर प्रदेश व देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्म की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। दीपावली के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि सभी दीपावली का पर्व अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसके अलावा किसी गरीब कमजोर व्यक्ति के साथ जुड़े, जिससे उसकी खुशी दुगनी हो सके। गोरखपुर में दीपावली के अवसर पर वनचांगिया व मुसहर वासियों के साथ दीपावली मनाया है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव आज से 6 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है, मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है, दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही कहूंगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं अभी स्वयं यहां से गोरखपुर जा रहा हूं, वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, बनटांगिया और मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ दीपावली के आयोजन में भाग लूंगा। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहां पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे, दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।